डोईवाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नमो नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताने के आयोजित कार्यक्रम में मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से युवाओं को अवगत कराया गया। इसके साथ ही आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में युवाओं से ऐप के माध्यम से देश हित के सुझाव देने का भी आह्वान किया। इस दौरान विधायक ब्रजभूषण गौरेला ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में युवाओं का अहम रोल है। इसके अलावा नए मतदाता पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर युवाओं में भारी उत्साह है। इसी क्रम में उन्होंने युवाओं से अपने मत का सही उपयोग करने के साथ ही लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का आह्वान किया। डोईवाला से संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट। इसका हर युवा भाजपा सरकार की नीतियों के साथ जुड़ रहा है। देश का युवा हर तरह से भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उनका नव मतदाता वोटर आज स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत सारे अन्य रोजगार, जैसे बकरा गांव में गोट फार्मिंग हो गई है और ऐसे अनेकों जो रोजगार हैं वो आज युवा पार पा रहा है, और उन्हें शिक्षा से जुड़ी भी हो वो आज अपने पंचायतों में अपने गांव का विकास देखना चाहता हो तो कितना विकास उससे हमें हमारे गांव का क्षेत्र का हो रहा है, उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया। इसलिए भाजपा से जुड़ रहा है हर युवा, क्योंकि शिक्षा नीति और रोजगार के अवसर भाजपा सरकार दिन पर दिन बढ़ाती। आज पूरे देश के अंदर मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नमो मतदाता जो हमारा है, नया मतदाता है, उसका सम्मेलन पूरे देश के अंदर आज हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नए मतदाता जो पहली बार वोटर बने हैं उनके साथ संवाद कायम किया है। आज आपने देखा कि हमारी विधानसभा के अंदर भी का बड़ी संख्या में वो नए मतदाता मेरे भैया बहन आज बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, जो पहली बार आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने युवा मतदाताओं को दिया है कि 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अपने इस देश के अंदर जो विकास के बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं, युवाओं को रोजगार देने के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए हैं,